हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। दोस्तों, गले की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, गले में थोड़ा सा खराश है, खांसी सर्दी जुकाम है। और दोस्तों, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन वीडियो नहीं बनाने का एक ही कारण है, मेरी यदि तबीयत सही रहती है ना तो मैं 100% वर्क करने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन यदि तबीयत थोड़ा सा डाउन हो जाता है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं बना पाता, इसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैंने जितने भी अपलोड किए हैं वीडियो, उतना भी आप लोग पढ़ते, कुछ अच्छे नंबर आ सकते हैं। 11th क्लास के भी जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुनः लेकर आए हुए हैं। और जो भी 3 क्वेश्चन एक वीडियो में कराता हूँ, तो इन 3 क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन देके रखा है दोस्तों, एक साइक्लोट्रॉन दोलित्र की आवृत्ति 10 MHz है, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब कैपिटल वी की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों, जो भी दे के रखा है उसको तो लिख लें अपने आप से। क्या दिया है, पहले आवृत्ति दे के रखा है, इसे एफ या न्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, कितना है, 10 MHz। इसको यदि हर्टेज में बदले, 10×10^6 हर्टेज हो जाएगा। ठीक है, हर्टेज में हमने बदल दिया। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू देके रखी है 1.6×10^-19 कूलाम। और क्या देके रखा है आपके पास, स्मॉल या मिनी ध्रुव प्राबल्य की वैल्यू देके रखी है 1.67×10^-27। ठीक है, और आपके पास किलोग्राम देके रखा है, इतना देके रखा है। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए फार्मूला, आवृत्ति बराबर कितना होता है, तो दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं फार्मूला, यह इक्वल होता है QB/2πm। ठीक है, इससे मैं यदि B का मान निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 2πmf/Q। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 होता है। ठीक है, और दोस्तों स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पे देखे रखी 1.67×10^-27। ठीक है, आगे दोस्तों एफ की वैल्यू कितनी है, 10×10^6, और आवेश का मान 1.6×10^-19। इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहां से 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई, और यहां से बाद में डिवाइड कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, या तो काट दीजिए दोस्तों, 2×2 0.8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और काटना है तो 5×10 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और काटना है इसको तो काट दीजिए, 2.2 2 से काटिए इसको, 2×2 फिर दोस्तों पॉइंट में 5 से जाएगा। ठीक है, फिर 7 से जाएगा, ऐसा करके तो आपके पास वैल्यू आ चुका है 1.57×1.67×5/0.2। देखिए यहाँ पे आपके पास 27 था, 27 में 6 घटा दोगे आप तो 21 हो जाएगा ना, इसके बाद पुनः 19 ऊपर जाके घटेगा, 19 ऊपर जाके क्या होगा, घटेगा, तब कितना वैल्यू बचेगा, तो 10^3 बचेगा। एक बार कैलकुलेट कीजिए कि 2 बचेगा, 10^2 बचेगा। इसको आप लोग दिमाग लगाइए, 27 में 6 घटाएंगे तो 21 बचेगा, ये 19 पुनः ऊपर जाके घटेगा तो इतना हो जाएगा। इसका कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया दोस्तों, यहाँ पर ही थोड़ा सा माइनस होगा, क्लियर है, डेफिनेट है। जब इसका इसका कैलकुलेट किया हमने तो आपके पास वैल्यू आया 26219×5 यहाँ पे लगेगा, 1234 यहाँ पे लगेगा, और दोस्तों यहाँ 0.2 है, 10^-2 है। फिर इसको हमने कैलकुलेट किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया है 1310951234 यहाँ पे। ठीक है, 0.2 है, 10^-2 है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो टोटल जो आपके पास वैल्यू आएगी, इसको देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ लगेगा, और जब ये 2 अंक है ना तो भाग जाएगा, तो और 2 अंक के पहले
टोटल जब भाग जाएगा 0.655, ठीक है, ये आपके पास टोटल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो चुका है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है, तो कैलकुलेशन आपको स्वतः करना पड़ेगा यार, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने किया है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके रखा हूँ ये, मैं ठीक है मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तभी आपको बताता हूँ। मोबाइल से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अभी कैलकुलेशन करोगे तो फिर पेपर में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक कण जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का 100 गुना है, 0.8 मीटर त्रिज्या की वृत्ति पथ पर प्रति सेकंड चक्कर लगा रही है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दिया क्या रखा है, दिया क्या है, दिया है जो आवेश है वो 100 गुना है, 100 गुना है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹। यदि इसको दो जीरो घटा दिया जाए तो 1.6 × 10⁻¹⁷ हो जाएगा। क्लियर, इतना तो क्लियर होगा दोस्तों, -17 हो गया। अब यदि मैं कह दूं कि धारा निकालना चाहूं तो धारा बराबर क्या होता है, समय के साथ आवेश प्रवाह की दर, तो 1.6 × 10⁻¹⁷, इकाई समय मतलब एक, मतलब धारा की वैल्यू आ चुकी है 1.6 × 10⁻¹⁷ एम्पियर, ठीक है एम्पियर हो गया, धारा आ गया आपके पास। अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसका फार्मूला भी होता है, ठीक है, और ए त्रिज्या भी देके रखा है, ए बराबर 0.8 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, म्यू जीरो वृत्ति पथ के लिए 4π है ना, और 2πI/A, ये फार्मूला होता है। यदि इसमें मैं वैल्यू रख दूं तो म्यू जीरो का मान मुझे नहीं पता तो नहीं रखते अपन, 2π से दोस्तों यहां से 2π कट जाएगा, और I की वैल्यू देके रखी है 1.6 × 10⁻¹⁷, 4π तो 4π, A की वैल्यू है 0.8, इससे काट दीजिए तो कितना आपके पास आ गया म्यू जीरो, इसको यदि काटा जाए दोस्तों तो देखिए कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁷ और 8 × 2 = 1.6, इससे क्या हो गया कट गया, मतलब आपके पास जो बी आया दोस्तों 10⁻¹⁷ म्यू जीरो, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। बराबर नंबर मिल जाएंगे आपको, ज्यादा करना ही नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, ठीक है, कह भी रखा क्वेश्चन दोस्तों कि किस वृत्ति पथ पर, तो वृत्ति पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर कितनी होती है, एक व्यंजक भी हमने कराया था जब चैप्टर चल रहा था, तो ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सॉल्व इसका बहुत ही छोटा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं अपन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या रखा है, एक वर्गाकार कुंडली में जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर जिसमें 20 फेरे हैं, चलिए वर्गाकार कुंडली है, यदि उसका मैं क्षेत्रफल कहूं, कुंडली की एक भुजा, एक भुजा कहूं तो कितना है 10 सेंटीमीटर। यदि मैं ए निकालना चाहूं तो 10 × 10 होगा क्योंकि वर्गाकार, मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसको मैं मीटर में बदलना चाहूं तो दोस्तों यहां पर दो भुजा है ना, तो यहां पर यदि मैं चेंज करना चाहूं तो मीटर में बदलूंगा तो 10⁻⁴ का गुणा होगा, मीटर स्क्वायर हो चुका है, कुल मिलाकर 2 जीरो और घटेंगे 10⁻², मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ चुका है, ठीक है एरिया आ चुका है। आगे क्वेश्चन क्या देखा, देखिए 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कुंडली को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसके तल के अभिलंब 0.8 टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बी दे के रखा है 0.8 टेस्ला, ठीक है, और क्या दे के रखा है 20 फेरे हैं, मतलब एन बराबर 20, और एम्पियर धारा का मान आई बराबर 12 एम्पियर, ठीक है इतना देके रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब थीटा की वैल्यू देके रखी है, या फाई की वैल्यू कितना डिग्री 30 डिग्री थीटा या फाई। अब चूंकि दोस्तों क्या निकालने के लिए बोल रहा है,
कुंडली द्वारा अनुभव किए गए बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला टाऊ इक्वल होता है, टाऊ इक्वल एन आई ए वी साइन फाई, यहां फाई लिए तो फाई थीटा होता तो थीटा, वैल्यू रख दो कैलकुलेट कर लो बस, ठीक है। फेरे 20 है, आई कमान 12 है, एरिया कमान 10^-2 है, ठीक है, 0.8 है और साइन 30 डिग्री है, ठीक है। मान रखो मेरे भाई 20 × 24 10^-2 इंटू 0.8, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 4 से जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 24 × 96, दशमलव से 0 हट गया, ठीक है, और आपके पास 10^-2, इसको यदि मैं कहूं तो 0.96 कर दूं, ठीक है, न्यूटन मीटर, ये आ गया आपका बल आघूर्ण, ठीक है। तो यही निकालना था दोस्तों, थोड़ा गले में खराश है इसलिए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो ना बना पाने का कारण भी यही है, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि गलती यार मैं नहीं करना चाहता लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से नहीं बना पाता। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।